तरफ जहां यूपी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार काम कर रही है, वहीं कुछ ऐसे अधिकारी भी हैं जो ठीक तरह से कानून का पालन नहीं करते। ऐसे ही एक लापरवाह पुलिस अधिकारी को यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष ने सबके सामने जमकर फटकार लगाई। किसको 3 दिन से पता ही नहीं क्या है इस बात की, सोचो किसी की लड़की है। अब आप सोच रहे होंगे कि दारोगा को सबके सामने ये महिला क्यों फटकार लगा रही है, कौन है ये महिला जिसके आगे दारोगा बाबू की बोलती बंद है। चलिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। दरअसल दारोगा को जो महिला फटकार लगा रही है वो है यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह, जो मेरठ दौरे पर आई हुई थी और जन सुनवाई कर रही थी। जन सुनवाई के दौरान सुषमा सिंह के सामने एक पीड़ित महिला अपनी गुहार लेकर आई थी। पीड़िता का आरोप था कि 5 महीने पहले उसके ससुर ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की और पिटाई की, जिसमें उसके पति ने ससुर का साथ दिया और इनका एक होटल भी है जहां लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है, जिसको लेकर मवाना थाने में मुकदमा भी कायम कराया था। इसके बावजूद 5 महीने बीत जाने के बाद मवाना पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़िता ने अपने मोबाइल से तमाम सबूत भी महिला आयोग के अध्यक्ष को दिखाए। मवाने में जिसमें ये धंधा चल रहा है गलत, जो मेरे पास चैट भी है मैंने सारी अभी यहाँ पे दी भी है। अब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी किसी भी तरह से, इन लोगों ने मार धंधा चल रहा है। आपको क्या कहते हैं लड़की मैम? ये लोग लड़की वगैरह जो सप्लाई होती है वो सारे काम करते हैं होटल के अंदर। जी हाँ, अभिनव ससुर अमर गुप्ता, ससुर का नाम विनोद गुप्ता, होटल निप्रेस्ट के नाम से। मेरी साथ तो 16 तारीख को मार्च में वहाँ पे मारपीट हुई थी, नहीं घर पे हुई थी। दहेज मांगते हैं क्या कहते हैं? दहेज की मांग भी है और मारपीट वगैरह हुई थी, मतलब कि ससुर ने गलत करने का प्रयास किया था मेरे साथ, जिसकी मैंने तहरीर भी दी थी, बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस को कार्रवाई नहीं कर रही है। जन सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला की बात सुनते ही महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा सिंह इस केस के इंचार्ज दारोगा पर जमकर भड़की। और किसे जवाब तलब करो अभी की अभी? इसको 3 दिन से पता नहीं कर क्या रहा है इस बात की, सोचो किसी की लड़की है और कोई आदमी पैसों में किसी आदमी को बेच रहा है, हवस पूरी करवा रहा है। पता लगने के बाद तो झूठा झूठ बचा देना चाहिए वहां पे। अगर वो आदमी ऐसे औरतों को बेचेगा तो अपनी बीवी को कैसे सुरक्षित रखेगा बताइए, उसके बच्चे हैं कैसे सुरक्षित हैं? और आप लोग बिल्कुल संवेदनशील नहीं है। अगर आपसे नहीं हो रहा है एसपी ऑफिस में भेज दो, डीएम ऑफिस में भेज दो, किसी को बता तो दो। सीओ सर्कल होते हैं, गलत बात है। छोड़ो अभी किसको दिखाइए किसको नहीं, अभी यही जाए और तुम ही जाओगे। अभी नहीं करना चाहिए ऐसे, सब वापिस आए। कानून का पालन ना करने पर जिस तरह से महिला आयोग की अध्यक्ष ने दारोगा को फटकार लगाई, उससे कहीं न कहीं ये सीख उन सभी अधिकारियों को मिली होगी जो महिलाओं के प्रति संवेदनशील न होते हुए कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं करते। न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए मेरठ से मनव्वर चौहान की रिपोर्ट।